अभिवादन करते हुए तो चलिए हमारे दोनों दिग्गज कमेंटेटर को बहुत बहुत बधाई, सुकेंदर सोरेन। शंकर महतो जी और साथ में मनोज कुमार महतो, हम तीनों का तो दिल दाम के बैठ जाइए। ये डिफेंडिंग चैंपियन है बीएसएसपी जमशेदपुर की टीम। पिछले वर्ष बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के बल बूते पर इस विगत वर्षों का खिताब को जीतने में सफल हो गए थे, बट एडीपी ग्रुप ने खिताब की दावेदारी कल पेश कर चुका है। सुनील देखना है और इंतजार कर रहे हैं उनके प्रतिद्वंदी फाइनल के लिए। हालांकि आज के मैच में बहुत लंबा सफर तय करना है टीम को, मजा आएगा। बम बम भले यानी महाली ब्रदर्स के पास लक्की है कि राहुल मुखी जैसे खिलाड़ी मौजूद है टीम में। ये उड़ीसा ऐसे जत्था मौजूद है महाली ब्रदर्स बम बम भले के, आप मार्क करेंगे तो किनको करेंगे बीएसएसपी? बिल्कुल, एक बार खिलाड़ी सूची पर जोर करते हैं। बम बम भोले टीम जो पीले और लाल पोशाक के साथ खेल रही है, गोलकीपिंग की भूमिका बिक्की तिरकी के पास, वहीं पे सूरज उराव तीन नंबर यूनिफॉर्म में, जयंत महतो जो सबसे लंबे कद के खिलाड़ी है चार नंबर यूनिफॉर्म में नजर आएंगे, सुनील सोरेन 15 नंबर यूनिफॉर्म में, अलग ही हेयर स्टाइल, आप इनके माथे को देखकर समझ जाएंगे कौन से सुनील सोरेन है। उसके बाद दिलीप किंडो 14 नंबर यूनिफॉर्म में, अमर लाकड़ा 6 नंबर यूनिफॉर्म में, मोनू पुरान 13 नंबर यूनिफॉर्म में, रोशन पन्ना 7 नंबर यूनिफॉर्म में, सुरेश खदिया 8 नंबर यूनिफॉर्म में और अनिल तिग्गा 10 नंबर यूनिफॉर्म में और राहुल बाबू यानी कि राहुल मुखी 11 नंबर यूनिफॉर्म में। और अभी हम बात करते हैं बीएसएसपी जमशेदपुर की। हमेशा की तरह बबलू मुर्मू गोलकीपर के भूमिका में, प्रसाद जलसे नंबर 3 में नजर आ रही है, राजा रामाजदा बहुत ही उम्दा खिलाड़ी 4 नंबर में, दीपक मुर्मू जलसे नंबर 5 में, साइमन जलसे नंबर 13 में नजर आ रही, चंद्रमोहन हंसदा जलसे नंबर 12 में, गांधी हेमरम 6 नंबर के, इसमें छोटू हंसदा जलसे नंबर 10 हमेशा की तरह, और बिट्टू कुमार 11 नंबर में, बुद्धेश्वर टुडू जलसे नंबर 14 में, राहुल हेमरम 9 नंबर के, जिसमें दुखू सरन जलसे नंबर 2 में। बिल्कुल यूनिक नंबर अगर हम देखें, अनिल तिग्गा बम बम भोले टीम से 10 नंबर यूनिफॉर्म में खेल रहे हैं, वहीं पे छोटू हंसदा चर्चित खिलाड़ी हैं जमशेदपुर क्षेत्र के, 10 नंबर यूनिफॉर्म में बीएसएसपी की तरफ से खेल रहे हैं। बिल्कुल मैच प्रारंभ हो चुकी है, 5 नंबर यूनिफॉर्म में दीपक मुर्मू बीएसएसपी की तरफ से, मैदान के बीचों बीच गेंद, बम बम भोले की टीम पहली बार राहुल मुखी को गेंद मिली थी और राहुल एक ऐसा खिलाड़ी है, ये इनकी गति बहुत ही लाजवाब है सुनील, गति में मात देने के दमखम रखता है, इनकी जो बॉडी है एक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी का होना चाहिए जैसा कि फिलहाल आप राहुल मुखी को देख रहे हैं। बिल्कुल, और मैदान के बीचों बीच आप जब अमृत डांग जी को देखेंगे मुख्य निर्णायक महोदय के तौर पर, तो मुस्कान तो बिल्कुल आना लाजमी है। अब फाउल भी ऐसे पकड़ेंगे खिलाड़ी मुस्कुरा कर स्वीकार कर लेते हैं, निसंदेह फिलहाल 61 पीस। उड़ती हुई गेंद लेकिन बहुत ही खूबसूरत है छोटू हंसदा के लिए, हालांकि उन्होंने अपने लिए शॉट्स नहीं बनाया, क्या शॉट रिलीज हो पाएगी, हुई लाजवाब पे फट, पंच लगी बचाया गया। यूं नहीं विगत वर्ष ये टीम डिफेंडर रहा, आज एक कदम आगे जाना है, बट सामने बड़ी टीम है महाली ब्रदर्स बम बम भोले की टीम में, लगातार निरंतर उड़ीसा क्षेत्र में इसका बहुत ही दबदबा रहा समय। बिल्कुल बीएसएसपी की तरफ से चंद्रमोहन और छोटू हंसदा मैदान के बीचों बीच, छोटू हंसदा के लिए, हालांकि गेंद फिलहाल दूर वाली छोर पर, अच्छा छकाया, बंडवारा भी बहुत अच्छा, समांतर बंटवारा चाह रहे थे, लेकिन छिटकर अपने ही पक्ष के खिलाड़ी के पास गेंद आई है, फिर से
राइट फॉरवर्ड, क्या लॉन्ग रेंज लगी, बिल्कुल क्रॉस आ रही है, बाउंस के बाद परेशानी हो सकती है, लेकिन गोलकीपर अंतिम समय तक में अपने पास गेंद को रख लिए। और अमृत डांग ने बताया कि भाई मैं इसको फाउल के तौर पर देख रहा हूँ, हालांकि आउट ऑफ पोजीशन था यहाँ पर थोड़ा सा, 7 नंबर के जैसे में गुरुचरण सरदार, और इस बार बेनिफिट डाउट मिलता गोलकीपर विक्की तिर्की को, और आज विक्की तिर्की को बहुत ज्यादा इम्तिहान देना पड़ेगा क्योंकि बीएसएसपी जमशेदपुर एक ऐसा टीम है वर्तमान समय में, ये टीम ने बहुत ही कमाल धमाल किए हैं, और इस साल इस सीजन 2024-25 में इनका लगभग लगभग 10 में से 7 मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, और चलते मैच, हालांकि फिलहाल बम बम भोले के पास गेंद, बहुत ही अच्छी जगह पर लेफ्ट फॉरवर्ड, कदकाठी में नाटे परंतु दौड़ने में बहुत ही सक्षम, हालांकि गेंद छीन आ गए हैं बीएसएसपी जमशेदपुर के पास। मैदान के बीचों बीच लंबे कद के खिलाड़ी हैं सटीक जगह पर, और बीएसएसपी अब तक खाली दाएं छोर पर से ही आक्रमण करते हुए नजर आ रही है और काफी कारगर साबित भी हुई है। और इसी बीच क्या कमाल का तालमेल दिखाते हुए बीएसएसपी जमशेदपुर की टीम, और इस तालमेल खेल को दर्शाते हुए बिल्कुल कॉर्नर की कही, लेकिन सुनील सोरेन की बेहतरीन एफर्ट है, और एक एफर्ट ये शायद आवश्यकता नहीं थी, हालांकि और एक बार बना सकते थे गेंद को, अपने लिए सजा सकते थे 11 नंबर यूनिफॉर्म में, थोड़ा सा पीछा करना चाहेंगे बिट्टू कुमार, बट जो भी हो सुनील फिलोसॉफी चाहे जो भी हो, आप सभी दर्शक अगले बिल्कुल इस पहले हाफ में बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल को देख पा रहे हैं कि हमेशा की तरह बिल्कुल भी एसएसपी जमशेदपुर जिस प्रकार के लिए जाने जाते हैं उसी प्रकार से खेलते हुए यहाँ पर, और अभी तक देखा जाए तो बॉल पोजीशन उनका थोड़ा सा ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ निसंदेह। फिर से मैदान के बीचों बीच, हालांकि गेंद शायद रोक लिए जाएंगे गेंद को, बिल्कुल गुरु सर 7 नंबर जैसे मैं आपको बता दें, अच्छा कोशिश बम बम बोले की तरफ से, छिया छट्टी के क्रम में राहुल इस बार बाएं पर से कमाल की डिलीवरी इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स में, ये है अपना प्रतिभा को फिलहाल साबित करते हुए राहुल मुखी, कितना उम्दा खिलाड़ी है ये दिखाते हुए। इस दरमियान काफी देर एक ही जगह पर गेंद, ऐसा लगा मानो लटक गई है, लेकिन इसी बीच इसको गलत करार दिया गया, जी नहीं गेंद मैदान से बाहर चले गए थे, थ्रो इन मिला, सजाने की तैयारी चल रहे हैं बम बम बोले की तरफ से, हालांकि 3-3 खिलाड़ी वहां दखल अंदाजी करते हुए बीएसएसपी की तरफ से होना भी चाहिए, टीम गेम है ये, 3 क्या आप अपने खिलाड़ी यानी कि खेल रहे सभी खिलाड़ी को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, फिर से तैयारी करने होंगे यहाँ पे बम बम बोले को, शायद छोर बदलने की बारी हो रही है, बिल्कुल अब धीरे धीरे पूरी तरह से यहाँ पर सेटल होता है महली पदस बम बम बोले की टीम। इस बार राहुल के हेडर देखिए बहुत ही कमाल का लेप करते हुए राहुल मुखी, हालांकि अभी एकमात्र बॉल के साथ बहुत ही क्वालिटी डिलीवरी, बट बहुत ही उम्दा इंटरसेप्शन यहां देखने को मिला, और एक काउंटर पे यहां पर अटैक करने का प्रयास करते हुए बीएसएसपी जमशेदपुर की टीम, लेकिन इस बार फिर से एक बार आसानी से बॉल पोजीशन लूज करते हुए। और गुलाब दा आपको बताते दोनों ओर राहुल हैं, एक तरफ 9 नंबर में बीएसएसपी की तरफ से राहुल हेमरम, वहीं पर राहुल मुखी प्रतिद्वंदी दल बम बम भोले की तरफ से 11 नंबर यूनिफॉर्म में, विगत कल बहुत ज्यादा सुनील हमें मैदान के अंदर खेलते हुए दिखा दे रहे थे आज, अरे इस बीच चलिए बबलू, और ये बबलू कद काठी में इतने हाइट तो है नहीं, लेकिन ये जो भी हाइट है बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हुए बिल्कुल गोता लगाते गेंद को रोकने में प्रयास सफल प्रयास हो गए, बिल्कुल ये कहने में अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, कद काठी में बहुत ज्यादा हाइट तो नहीं है लेकिन बहुत टाइट है और बहुत अच्छा फाइट भी कर रहे हैं, मजा आ गया। हालांकि इस बार गुरु के सरदार आज देखिए अरे सॉरी बोलते हुए, अरे सॉरी एक ऐसा शब्द है सुनील, आदमी कहे तो झगड़ा खत्म और डॉक्टर कहे तो आदमी खत्म, बिल्कुल। और अमृत डांग ने बताया मैं आपको इस तरह रखना चाहा नीचे, सफल नहीं हो पाए, और थोड़ी सी जो समय मिली उसको सजाने में काम करते हुए बीएसएसपी के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच, बिल्कुल 12 नंबर यूनिफॉर्म में चंद्र महान
एक लाजवाब मिडफील्ड। चंद्रमोहन कभी भी मिडफील्ड में हैंग नहीं होते हैं सुरेंद्र, हालांकि इस बार दबाव बनाने का प्रयास करते हुए, लेकिन गोलकीपर आज ऐसे शॉट को बचाने में सफल हुए हैं जहां होना चाहिए था 1-0, बट अभी भी मुकाबला 0-0 का। थ्रो इन महली ब्रदर यानी कि बम बम बोले को इस बीच अच्छा बंटवारा, बहुत ही सटीक, बिल्कुल शोर बहुत कम लेकिन जोर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहां से एक अच्छा शॉट रिलीज हो सकती है, थोड़ा सा समय लिया शायद, अभी भी बहुत ही अच्छी जगह पे गेंद, क्या शॉट रिलीज हो पाएगी। और इस बार राहुल गेंद को नीचे नहीं रख पाए, अपने भी खिलाड़ी इस प्रकार के मौके को कैसे गवा सकते हैं। क्या गजब का गेंद मिला था राहुल मुखी को, और पता नहीं आज इसको लाइन पर मैच से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है मैदान में। बाबलू बहुत ही बेहतरीन गोल किक, बिल्कुल गेंद को गोलकीपर के लिए छोड़ दिया गया यानी कि उनके हवाले कर दिए गए। गोलकीपर की तरफ से एक अच्छी और लंबी किक आई, हेड बहुत अच्छा लगा बगल में राहुल मुखी। अभी भी संतुलन में पूरी तरह है नहीं गेंद, हालांकि बीएसएसपी के पास गेंद, अभी भी दुस्साहस लेकिन चेस्ट डाउन अच्छी तरह से नहीं हो पाई और बीएसएसपी अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। बिल्कुल गेंद को इस किनारे वाले छोर से अंदर की ओर धकेलने का काम किया छोटू हंसदा, एक समय के बहुत ही खूंखार खिलाड़ी, हालांकि अभी भी उनका दबदबा मैदान पर चलता है। सुनील आउटफुट से बहुत ही बेहतरीन बॉल डालने का प्रयास और अच्छी तालमेल अभी तक दिखाए हैं बीएसएसपी जमशेदपुर की टीम ने। अरे ही तालमेल थोड़ा सा भारी माली बदस बम बम बोले के लिए साबित होता हुआ सुनील। इस बीच चंद्रमोहन अपने कब्जे में लेने के बाद छोटी छोटी बंटवारा, गेंद को उस भीड़भाड़ वाली जगह से निकालना चाह रहे थे, बड़े शॉट्स की जरूरत थी, हुई भी बाउंस के बाद गोलकीपर के लिए चैलेंज हो सकती है, हालांकि उन्होंने फ्रंट फुट पर आया एक्सेप्ट, बिल्कुल चंद्रमोहन का लाजवाब। और इस बीच फाउल करार दिया गया शायद इस दरमियान राहुल, बहुत ही बेहतरीन समानांतर पास। आप धीरे धीरे महाली भले की टीम ने धीरे धीरे ही नहीं सही एक अच्छी तालमेल के साथ आगे जाने का प्रयास करते हैं, इस बार थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतना ही तारीफ करना पड़ेगा यहाँ डिफेंस का राजा राम, हालांकि कॉर्नर होने से बचा नहीं पाए, प्रयास उनका बहुत ही अच्छा था और इस कॉर्नर किक से महाली ब्रदर्स यानी कि बम बम भले दबाव बना सकते हैं अगर किक बहुत अच्छी तरह से हो। आप लोगों को बता दें एसएलएम ट्रॉफी का इस वर्ष तीसरा सीजन और बहुत ही सफल आयोजन, विगत कल भी बहुत अधिक मात्रा में इस बीच टकराहट हुई, शायद थोड़ी सी चोट भी लगी गोलकीपर को, फिजियो को बुलाया गया है, पानी लेके अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल प्राथमिक उपचार के लिए या प्राथमिक उपचार के लिए जिस तरह की सामग्री की आवश्यकता थी सभी सामग्रियों के साथ टीम के फिजियो चले गए हैं। इंपैक्ट एक समय ऐसा लगा कि गोल हुआ है लेकिन ऊपर से गेंद नेट पे टकराई तो ऐसा प्रतीत हुआ। बहुत ही बेहतरीन मौका था बीएसएसपी जमशेदपुर के पास पहला गोल अपनी टीम के लिए लाने का। आज बहुत सारे ऐसी बातें हो रही है जो बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से हो रहा है मैदान पर, होने भी चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ देर पहले कहा था कभी खुशी कभी गम। इस रंग बदलती दुनिया में अभी आपने जस्ट देखा चलिए बहुत ही अच्छे गोल कीपिंग का मुजारा पेश करते हुए बबलू, शंकर बाबू चरम चिकाए चिकाए में बेंगार जंग और मरीज जंग मिट गई नहीं लो अजी हाँ ठीक उसी तरह हमें भी पता नहीं लगा था कि ये बाहर हुई है। इसके बाद वाले मुकाबला के लिए
आप दोनों सामान्य टीम और इसके बाद वाले जो मैच होगी प्रथम चक्र का अंतिम मैच के तौर पर जय बम जय तारा वर्सेस एलेक्स एफ से दोनों टीमों के खिलाड़ियों से आग्रह है कि आप प्रथम चक्र का अंतिम मैच खेलने वाले हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो सीटिंग जोन बनाई गई है ठीक हमारे मंच के आगे आके उपस्थिति दर्ज करा दें ताकि हम लोग भी आश्वस्त हो जाएं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों ही संबंधित जो टीमें हैं जिसके बाद मैदान पर आने वाले हैं आप हैं जय बम जय तारा वर्सेस एलेक्स एफ से जो फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच के तौर पर खेला जाएगा। सुकंदर वर्तमान मैदान के बीचों बीच चले मैदान का माजरा ये एमएमसी शंकरपुर के नाम पे भी जानते हैं लेकिन जिस ग्राउंड अलग होते हैं तो नाम भी कुछ अलग होता है। राज बीएसएसपी जमशेदपुर का और गत वर्ष भी यही नाम से खेल रहे थे लेकिन विजेता टीम रहे थे बीएसएसपी जमशेदपुर और एक सशक्त टीम को जिस कदर उन्होंने रोक के रखा है वाकई तारीफ काबिल। और एक समय ऐसा लगा था कि मैच एक तरफा होगा बम बम भोले की टीम पूरी तरह से हावी होकर टूर्नामेंट में अपने आप को फेस करेगी और उसे रोक लेगी लेकिन ऐसा नहीं है। बीएसएसपी जमशेदपुर ने क्यों विजेता बने थे 2023 में इस बात को मैदान पर साबित किया है और जब जब उनको मौके मिले आक्रमण पे आक्रमण किया भले ही गोल ना ले आ पाए हो लेकिन इस बार एक बेहतरीन मौका बनाने के क्रम में जगह खूब जरूर तलाश रहे हैं लेकिन डिफेंस में गेट बिल्कुल मौजूद नहीं बम बम भोले की टीम की और इस बार एक अच्छा अटेम्प्ट देखने का मौका मिला राहुल मुखी की रन लेकिन आखिरकार सफल नहीं हो पाए गेंद चली गई टचलाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन मुकाबले हुए थे लेकिन यहाँ रेफरी की सिटी भेजी थी सेट पीस मिलेगा जयंत महतो गए हैं किक लेने के लिए जर्सी नंबर 4 पर। किसी भी टीम को आज के तारीख में कम करके आप नहीं आ सकते हैं हालांकि दर्शक के कल गोलों की बौछार का खूब मजा लिया लेकिन आज दर्शक बंधु मन ही मन कह रहे हैं कि आज गोल नहीं हो रहा है उसका भी कारण है उसका भी रीजन है कि आज सभी पक्ष बहुत ही मजबूत है खास करके डिफेंडर लाइन काफी मजबूत है गोल अगर खाते हैं तो गोल करने का मुद्दा भी रखते हैं इसी तर्ज पर ये प्रदर्शन नतीजा हर मैच आज टाई हो रही है और शंकर हो ना हो मैं अभी से ये कह रहा हूं कि हम लोग को द्वितीय चक्र से समय की कटौती करनी पड़ेगी 30 मिनट की खेल होगी द्वितीय चक्र से क्योंकि खिलाड़ी को हम कल बार बार या टीम मैनेजर को बार बार कह रहे थे कि सर आप अपने टीम को 8 से 8:30 बजे तक मैदान में लेके आएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं और करीब करीब 9:30 बजे 9:45 बजे से खेल शुरू हुई और इसी कारण बहुत लेट हुई और खास करके मैदान में मैच ज्यादातर टाई हो रही है और इसी कारण इस तरह का नजारा क्योंकि ये तीसरा मुकाबला हो रही है कल हम लोग देर से ही खेल शुरू किए थे लेकिन अभी तक तीसरा मुकाबला भी समाप्त हो चुका था तो जय बम जय तारा बनाम एफ सिंह अब दोनों टीमों के टीम कैप्टन से अनुरोध है अपने खिलाड़ियों को टेक्निकल जोन में धीरे धीरे लाएंगे क्योंकि ये द्वितीय हाफ का खेल शुरू हो चुका है। दोनों ही टीम की बात करें तो शुरुआती क्षण से जो गति दिखाया है वो गति को बरकरार निरंतर उसी मौसम के साथ आगे बढ़ रहे हैं गति बहुत सुंदर फिलहाल साइमन हेम्ब्रम और इस पर गोलकीपर के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि अकेले खड़े थे और गोलकीपर की कद काठी कहें तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे स्टैंडर्ड हाइट की गोलकीपर है एक लाभ मिलता है अगर आपके गोलकीपर की हाइट काफी अच्छी है तो आपकी कैचेस जो होंगे हेडर अगर आपके ओपोनेंट टीम हेडर भी लगाते हैं तो वहां आप रोकने में सक्षम होते हैं। दो गाड़ी का नंबर बोला जा रहा है कृपया ध्यान दें गाड़ी या तो हटा दें और हम लोग अगर हटाएं कमिटी वाले फिर आपको कल खोजना होगा इसलिए आप जल्द से जल्द जिनकी गाड़ी है कृपया ध्यान से सुने JH05DC8829 बिल्कुल सामने ये गाड़ी लगी हुई है आप कृपया गाड़ी हटा लें JH05DH2562 ये जो दोनों गाड़ी है जल्द से जल्द अपनी जगह से हटा लेंगे आप लोग कमिटी वाले हटा। पर सुनील सोरेन ने कोई चेतावनी तो सर चेंज है
और चेंजिंग बम्बम भोली की ओर से जैसी ने बनाई प्रवेश उराव और वहीं पे विश्राम दिया गया जैसे जबरदस्त ये अनिल ने तिग्गा को। अब देखने वाली बात होगी, एक बहुत ही अच्छा मौका छोटू हंसदा। दोस्तों मैं बता दूं दर्शक बंधु, ये खिलाड़ी जब भी फुटबॉल खेल रहे हैं ये खोखो के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, नेशनल पार्टिसिपेंट कर चुके हैं मिस्टर छोटू हंसदा। यानी दौड़ धूप में काफी माहिर हैं खोखो, जो भी खोखो खेलते हैं उनके पास जो टाइमिंग होती है वो काफी बेहतरीन होता है, क्योंकि खोखो अगर खेले तो टाइमिंग का पूरा खेल है। अरे भाई लगता है समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ, जय बम जय तारा। एलएक्सएफसी जल्द से जल्द मंच के आगे चले आएंगे सिटिंग जोन पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों टीमों के टीम कैप्टन से कि आप लोग ज्यादा समय ना लें और जल्द से जल्द चले आएंगे। जय बम जय तारा एलएक्सएफसी। खेल में थोड़ी सा धीमापन आई है, जब भी अटैकिंग जोन में धीमी गति के प्रदर्शन हो रही है, सटीकता से दूर हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कुछ समय से। और एक कॉर्नर, बहुत ही अच्छा मौका टीम के लिए यानी कि बम्बम भोली के लिए। बड़ी देर के बाद एक कॉर्नर मिली है, फुटबॉल की दुनिया में कॉर्नर किक को आधे गोल की बराबर मानी जाती है। राहुल ने अनदेखा किया, आगे जाना चाहते तो वहीं से अगर फिनिशिंग करते तो बात बनती, और हुई उनसे बड़ी चूक। रेप जी चेंज और इस समय एक बेहतरीन मौका हो सकता है, साथ पाला गोल लेकर आ जाए। अच्छी रेड यहां पर, मौका जगह भी आई, अच्छी ब्लॉक डिफेंडर की सुनील सोरेन के द्वारा, अच्छी ब्लॉक अन्यथा एक बेहतरीन जगह बनाई थी बीएसएस के जमशेदपुर की टीम ने। सुकंदर जिस तरह से जगह बनाकर लेफ्ट फुटर किक लेने का प्रयास किया गया था, हालांकि गोल में भले ही ना बदले हों लेकिन एक सांकेतिक रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छा जगह बनाने में सफलता अर्जित किए हैं दोनों टीम अभी तक बराबरी पर। कोई भी टीम गोल नहीं कर पाए है, ना ही माली ब्रदर बम्बम भोले और ना ही बीएसएसपी जमशेदपुर, लेकिन फिलहाल थोड़ी से दबाव बनाने की स्थिति में बॉल पोजीशन रखते हुए राहुल जर्सी नंबर 9 पर लॉन्ग रेंज किक, लेकिन ब्लॉक आता हुआ डिफेंडर का। देखा जाए अनेक देरी पर इनारे चाप बराबर चेष्टा कर रहे थे, सुंदर सुजू ग्राउंड बॉल, किंतु ओकाने डिफेंडर आगे तक दाड़ी आछे जे बोल ला हमारे को कोखन आसबे आवाज गांधी ना नहीं 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 जिस तरह से पांव चला है काफी खतरनाक हो सकता है। और दोनों टीमें आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनके टीम के मैनेजर सभी खिलाड़ी साथियों को, समय को मद्देनजर रखते हुए अब मैदान पर आ चुके हैं। और ये फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच के तौर पर देखा जा रहा है, और शोकेंद्र जिस तरह से अभी तक स्थिति बनी हुई है और लगातार बार बार ब्लॉक आ रही है, जिस तरह से किक लिया जा रहा है सफल नहीं होते हुए, दोनों ही टीमों की ओर से कोशिश किया जा रहा है कि एक गोल कम से कम अंतिम समय पर लाकर अपनी टीम को सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करा दें। बहुत ही सुंदर गेंद आगे निकालने के क्रम में, अच्छी सील्डिंग यहां पर, बहुत ही सुंदर मौका लेकिन नीचे रखने में सफल। दर्शक बंधु आप लोग थोड़ा सा आवाज दीजिए ताकि शिकारी को शिकार करने में आसान हो, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी कोई शिकारी शिकार करने के लिए निकलता है तो कुछ न कुछ आवाज दिया जाता है। राहुल बहुत देर कर दिए देने में, राहुल थोड़े से खोया खोया अपने ही खेल से निराश लग रहा है राहुल, क्योंकि राहुल
एक ऐसे खिलाड़ी है ये कभी भी खेल के रुख पलट सकती है, लेकिन आज अभी की बात करें शंकर तो ये तापमान की तो ज्यादा धूप खिली हुई है और मैदान या चारों तरफ मैदान थोड़ा सा गीला हो तो उमस ज्यादा लगता है और शायद इसी कारण खिलाड़ी 40 मिनट खेलते खेलते थोड़े से थक रहे हैं। और इसी के साथ खेल समाप्ति की लंबी सीटी बजती हुई दोनों टीम आखिरकार पेनाल्टी